अपना गुना कुछ बंगाली है जो लोग उड़ के आके इधर बैठा हुआ रहे जुड़ के बैठा हुआ रहे कुछ बंगाली हाथ में गिना हमारा जगह दखल करके रह रहा है। आपका बाप का जगह, मेरा बाप का जगह। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। मैं अभी हूँ भाई बांग्लादेश और कोक्स बाजार नाम के टाउन में हूँ। आज मेरा सफ़र शुरू होने वाला है कोक्स बाजार से चट्टोग्राम तक का। इसको चिटागोंग भी बोलते हैं या चिटागांव भी बोलते हैं, तो बहुत सारे नाम है भाई इस जगह के। तो ये मेरी यार पहली बार है बांग्लादेश की बस में जर्नी। आप लोग देख सकते हैं भाई ये बस है एंड नॉर्मल बस है यार, ये एसी बस नहीं है, सिर्फ पंखे लगे हैं नॉर्मल मतलब। तो इसकी टिकट हमें पड़ी है यार कोक्स बाजार से चट्टोग्राम तक की 320 टका, शायद या 270 टका होनी चाहिए थी या 280, बट 20-30 रुपये मेरे से ज़्यादा ले लिए इन्होंने। एनीवेज मेरे से मांग रहे थे 450 टका, मैंने बार्गेन कर करके 320 पे आई, तो 320 टका की टिकट है हमारी। तो चलिए यार चट्टोग्राम पहुँचते हैं एंड फिर ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं जनाब। तो आज का सफ़र हमारा 150 किलोमीटर तक का है। एक्चुअली मैं उसका फॉलोअर हूँ 2017 से, तब मैं यूट्यूबर नहीं था। 2020 से जब लॉकडाउन शुरू हुआ, मैं उस तरह का ब्लॉगर को देख के मैं भी इंस्पायर हुआ, मैं भी ब्लॉग चालू किया। आपका चैनल का नाम? मेरा चैनल का नाम है बैकपैकर शहादत। मैं एडवेंचर ट्रैकिंग वगैरह वीडियो करता हूँ। और बैकपैकर शहादत? हाँ, बैकपैकर शहादत। ठीक है, मैं आप ढाका हो? मैं तो अभी कोलकाता का बस ले लिया टिकट, बट एनीवेज मैं यार चैनल का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। जरूरी नहीं है, मैं चाहने वाला था आपके साथ मीट हुआ, मैं आपको थोड़ा ढाका घुमाने का क्वेश्चन करूँ। अगली बार जरूर मास्टर हूँ, मैं तो आपको इंस्टा में नहीं देखा था, नहीं तो फिर मैं नॉक करके आपके साथ मुलाकात कर लेता। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच, यू आर ए गुड सोलो ट्रैवलर। थैंक यू, लव यू इंडिया, बाय बाय। तो जनाब हम लोग अभी आ रखे हैं बिहारी कॉलोनी में, चिटागोंग में है ये कॉलोनी एंड आई थिंक ये कॉलोनी ढाका में भी है। तो बाहर यार कुछ नज़ारे ऐसे हैं, कहा जाता है कि ना सरकार ने, बांग्लादेश की सरकार ने इन लोगों को भाई कैंप दिया था, बट यहाँ पे अब बहुत डेवलपमेंट हो गई है, कैंप जैसी फीलिंग नहीं आ रही है, पक्के घर लोगों के बने हुए हैं। एंड इन लोगों की यार हिस्ट्री ये है भाई बांग्लादेश में कि जब 1971 में इंडिपेंडेंस वॉर हो रही थी, तो जो बिहारी लोग थे ना वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और इस वजह से थोड़ा मतलब इन्हें मतलब बहुत सालों तक बहुत हद तक ना एक्सेप्ट नहीं करा था सोसाइटी में। और इवन 2008 तक जनाब इनको ना सिटीजनशिप का स्टेटस भी नहीं मिला था। तो ये कुछ स्टोरी है यहाँ की। तो चलिए आज देखते हैं इधर लोगों का लाइफ स्टाइल, बट डेवलपमेंट जनाब हो रखे हैं कुछ हद तक। तो कुछ लोग इनमें से कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान भी जाना है वापस, लेकिन नहीं जा पा रहे, तो ऐसा कुछ कन्फ्यूजन सा ही चल रहा था। कैसे हैं आप? ठीक। तो आपका मतलब आप पैदा वगैरह इधर ही चिटागोंग में ही हुए हैं? नहीं, फिर मेरा पैदाइश महाभारत हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का है? अच्छा, तो इधर किस सन में आए आप? 1970 में। 1970 में, तब से इधर ही बांग्लादेश में। ओके, नाइस। उर्दू जानते हैं ये? थैंक यू, नाइस। आप कहाँ से? मैं हरियाणा पंजाब से, हरियाणा दिल्ली पंजाब। हाँ जी, दिल्ली के पास, चंडीगढ़ के पास अंबाला से। अच्छा, हाँ जी। तो मेरा तो गोरखपुर। आप गोरखपुर से हैं? ओके, सही है, नाइस। सलाम। हाँ जी, सब ऐसे ही देखने के लिए बांग्लादेश घूमने के लिए आए हैं। घूमने लगे। हाँ जी, यहाँ कहाँ ठहरना कहाँ हो रहा?
आज तो कोलकाता वापस आज के चले जाओ शाम को बस है। हां जी हां सर, थैंक यू दुआ कर। थैंक यू। नाम क्या? गरिमा। इनका बंगाली मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है भाई। इन जनाब का बंगाली मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है समझने। He is not from Chirang city, he is from North Bengal. That's why. Different accent. तो ये यहाँ पे यार मोस्टली बिहारी पॉपुलेशन रहती है बांग्लादेश की। एंड अब आप लोग देख सकते हैं यार पक्के घर बने हुए हैं। So it doesn't feel like a camp anymore. People have built like proper house and home and shop. But still there are some problems of course in the society. And many people migrated around 1970 and some migrated before also into Bangladesh. It's your first time? This is my first time also. Your first time in the area? In my area side, beside my area, but I never come there. You never came here, eh? So this area is close to almost 2-3 kilometers from his area, but he is coming first time in the camp area. That's all, I think more than 20 lakh. 20 lakh population? Yes. Delhi? I think. That's a lot. मतलब ये पैदा यही हुए हैं। ना ना जन्मस्थान बोलो आपने जन्मस्थान जन्मस्थान और ये लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड वगैरह वो सब कहाँ का है? बांग्लादेश का? आईडी कार्ड है ना? नहीं नहीं है। नहीं है? बंगाली। हाँ ओके धन्यवाद। तो यार यहाँ पे बहुत लोगों के, जैसे मैंने बताया कि 2008 तक तो इन्हें सिटीजनशिप का स्टेटस भी नहीं मिला था। एंड टिल नाउ देर आर मैनी पीपल हु डोंट इवन हैव आइडेंटिटी कार्ड। लाइक स्ट्रैंडेड है यार एक तरह से, मतलब फंस रखे हैं यहाँ पे। कोई आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट इन्हें कुछ नहीं दे रखा है सरकार ने। बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं, बस ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। व्हाई गवर्नमेंट नॉट गिव Actually, because they are demanding to go to the their own Pakistan nation, Pakistan or India. Own nation. So, but the processing is actually is hanging for that reason. हाँ. India से आया. हम लोग से तो बात आराम से कर सकेंगे. Hello, Anji. कैसे हैं? आराम. Alhamdulillah. अच्छे. सही है. आप हिंदी उर्दू फर्स्ट क्लास ना? सही जानता है पीछे सब यहाँ पर सब प्यारी है। सही है, ये सब खाली हाथ में गुना कुछ बंगाली है, लोग उड़ के आके इधर बैठा हुआ के बैठा हुआ कुछ बंगाली हाथ में गिना हमारा जगह दखल करके रह रहा है। आपका बाप का जगह? मेरा बाप का जगह है, मेरा बाप दादा ये जगह का लिया। आज बताओ इधर आप लोगों को आइडेंटिटी कार्ड क्यों नहीं मिल रहा है? अभी भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिल रहा है, कारण वह हमारा देश का सरकार बहुत हरामी है। जो सच बात, जो लीगल बात, यहाँ हमारे यहाँ पर लीगली होता पैसा का खेला। तू मानती जैसी हम गेसिलम जो होता है पैसा का खेला, जो लीगल बात पैसा का खेला। जाने से डायरेक्ट बोलता बिहारी का नहीं होगा, बंगाली। ओके, अब तुम बंगाली हो होगा, तुम बंगाली नहीं हो नहीं होगा। तो मतलब आईडी भी नहीं देता है? नहीं देता है। अरे तो यहाँ पे मोस्ट लोग बिना आईडी के रह रहे हैं। मोस्ट बांग्लादेश का अपना बांग्लादेश का पॉपुलेशन हुआ आपका आईडी छोड़ के। हाँ, बांग्लादेश का पॉपुलेशन हुआ आपका दरिया 20 करोड़, ठीक है, मगर उसमें आपका आइडेंटिटी है दलिय 8 करोड़ 11 करोड़ बोर्ड हुई है। रोहिंगा 8 करोड़ मियां रोहिंगा ही तो हम जो बोलते सच बोलते हैं। रोहिंगा लोग का आइडेंटिटी मिला, जो हुआ सा के यहां हुआ आइडेंटिटी मिला। रोहिंगा को भी है? हां है, मगर हमें नहीं है। उनका खाना पीना सब देता, सब देता हमारे यहां, घर भी दे रहा, घर भी दे रहा, घर भी दे रहा, तेरे पास ही नहीं है। अरे तो ये एक समस्या है भाई। नहीं मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लाइव नहीं है। तो भाई ये एक समस्या है यहाँ पे। और फिर बाकी स्कूल और जॉब वगैरह का क्या रहता है? यही देख रहे हैं, यही जॉब है, यही स्कूल है, यही सब कुछ है। कोई नौकरी नहीं है? यही जॉब है, यही स्कूल है, यही कॉलेज। हाँ
कोई मिल लो नहीं है, खाली बंगाली का मिल, सिर्फ बंगाली को ही मेन राइट्स मिलता है। अब वोटर करने जाने से आपका बॉस हो गया, वोटर नहीं होगा तो अगर बिहारी बाप दादा का वोटर कार्ड लिए ये तब ला के वोटर हो ये सरकार का ये नीति है कि मतलब पूर्वजों का कार्ड होगा तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, नीति है बिहार आप लोगों के लिए। हम लोग का बाप माँ छोटे में मर गया, कब वोटर हुआ कब नहीं हुआ कैसे, हाँ ठीक है ना, तो हम लोग वोटर कार्ड कहाँ से लाएंगे बाप माँ का, उस टाइम तो हर कोई बनवाता भी नहीं था, बनवाता था नहीं, धरिया इस सब में कान भी नहीं देता था, आगे का जमाना का आदमी, अभी तो उस सब लेके आइए बाप का कब्रिस्तान का कागज लेके आइए तब आपको वोटर कार्ड बनाएंगे, बाप को कब्र से उठा के ले गए, मर गया कब मिल गया कहाँ से लाएगा वो आदमी, कहाँ से ला के देंगे, और जाइएगा कोई कागज बनाने ना तो बिहारी का नहीं बनेगा, बंगाली का आगे बन जाएगा दो मिनट में है, रुपया चैनल है ना कुछ है ना ऐसे दूर है चैनल है, चैनल का नाम मैं अभी बता दूंगी, आप मांगने जाएंगे तो क्या बोलेगा आप लोग को, धन्यवाद आप ठीक सब खैरियत, हाँ जी सही है, तो आप इधर के ही रहने वाले हैं जी, यहाँ का बसिंदा हूँ, पैदाइशी हैं, पैदाइशी यहीं से हैं, ओके सही, तो इधर कैसे मतलब सिचुएशन कैसे है, क्या दिल्ली खटो दिल्ली खाओ और गए ये बस यही है, दिल्ली मजदूर, हाँ सरकार की तरफ से कुछ कुछ नहीं है, बस अपने आप ही जो करना है, तो आप लोग को अगर बांग्लादेश से बाहर जाना है वो भी नहीं हो सकता है क्योंकि कोई कागज कुछ नहीं है, कुछ नहीं अंडर रेड क्रॉस कागज है कुछ है, हाँ कुछ लोगों के पास है मतलब, ओके बिहारी है छोटू, वो शर्मा रहे हैं, इंडिया तक आए से बड़ा तो बोलो कहाँ कर रहा है, इंडिया तक आए से, इंडिया से आए अभी तो इंडिया से आए, इंडिया का हम लोग बहुत सीखे हैं, हम लोग यहाँ का मद्रास का, आप मद्रास के हैं जी, अच्छा तो वो तमिल बोलते हैं कि नहीं, तमिल बोल लेते हैं, हमारा अम्मा भी है वालदेन भी अभी है, सही है अम्मा से मुलाकात करिएगा, हाँ जी आइए, सही है, अरे मद्रास के लोग भी हैं, हम भी मद्रास का, अच्छा आप भी मद्रास से हैं जी, हाँ जी हम मेरा जन्मस्थल है पर ही है, ओके इधर यार घर की तरफ आएंगे मैं, एक मिनट कैमरा नीचे, आइए 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 तो जनाब यार अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आधे घंटे में मेरी बस भी है कलकत्ता तक की, डायरेक्ट बस बुक करी है मैंने जनाब, और जिसकी टिकट हमें बड़ी है 2100 बांग्लादेशी टाका की, एसी बस है, ये भाई हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो इन जगहों के नाम ना यार ऐसे दे रखे हैं Camp 3, Camp 4, Camp 2 ऐसे करके, तो इस तरह जगहों के नाम हैं, चलते हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पे यार एक ये चीज़ मेरे को पता चली कि जो इंडिया से आए हुए लोग चाहे मद्रास के हैं चाहे बिहार के हैं चाहे हरियाणा के हैं चाहे मुंबई के हैं जहाँ मर्जी के महाराष्ट्र के हैं, उन्हें भाई किसी को भी ना जल्दी आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं आप बिहारी हो, मतलब आप किसी भी कम्युनिटी के हो जिसने उस टाइम पाकिस्तान को सपोर्ट करा था, एंड जो लोग इनके साथ रहते हैं उनके लिए कुछ दिक्कत मुश्किलें हैं यहाँ पर, तो या एंड अब बाहर की तरफ चल रहे हैं जनाब, और बस अब कैंप था ये किसी टाइम लोगों ने बट अब पक्के घर बना रखे हैं, नाउ मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर लाइक ब्रिक्स, नॉट लाइक कैंप, नॉट लाइक कैंप, या मोस्ट हाउसेज यू कैन सी दे आर विद ब्रिक्स एंड पीपल हियर स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, ऑलमोस्ट 4-5 लैंग्वेज, बंगाली चिटागोंग लैंग्वेज, हिंदी उर्दू इंग्लिश भोजपुरी मैथिली Punjabi also. Really? Yeah, but I did not find till now, but maybe, yeah. But I know there is no Punjabi also. There is people of Punjabi also. Yeah, possible. Possible. Yes. And Tamil also. Some people speak Tamil, Tamil also. Tamil. So many languages. Crazy. But yeah, man.
let's go towards the main road, then we go back to bus station. And another thing different here is most women are wearing sari even though they are Muslims. So in this area, in this community, they are wearing their normal clothes also, not like Dhaka and Cox's Bazar or other areas. और यार यहाँ से हम कैंप की तरफ से बाहर निकले हैं, ये यहाँ पे मॉस्क है इनका नमाज के लिए, तो एंड रमदान करीम यार सबको, जो भी मुस्लिम लोग देखते हैं भाई बहन, आज से यहाँ पे रमदान शुरू हुआ है, तो आज फर्स्ट डे है यार रमदान का यहाँ पे बांग्लादेश में और एशिया में और बहुत सारे देशों में। तो आप लोग देख सकते हैं जनाब, ये इनका मस्जिद दरगाह है, को थोड़ा खाने पीने के लिए आधा एक घंटा मेरे पास भाई है, कुछ केले हैं खाने के लिए। एंड मैं बस में यार सो गई थी पहले ही, तो मेरे को अभी थोड़ी सी थकान रहेगी और हम कलकत्ता यार सुबह पहुंचेंगे, उसके बाद फिर मैं देखूंगी भाई पूरी की ट्रेन कितने बजे है। कुछ ट्रेनें तो हैं भाई रात को 8 बजे 10 बजे जैसा भी हो, और कुछ अगर शाम को भी होंगी एक दो, तो जोन से भी मिली उसमें चलेंगे पूरी की तरफ हम। एंड ये देखे जनाब सब बढ़िया, तो मेरे को आलस आ रखा है क्योंकि मैं सो गई थी, इसलिए समझ नहीं आ रहा अभी मैं क्या बोलूँ क्योंकि मैं नींद में हूँ आती। बट सब फिलहाल बढ़िया, ये वीडियो ना हम सुबह कंटिन्यू करते हैं और अभी कैमरा को रखते हैं, अभी जब बस फिर चल गई फिर से सो जाएंगे, ये सीन है। जनाब यार गुड मॉर्निंग सुप्रभात, हमारे पीछे ये बेनापोल की तरफ इमिग्रेशन है एंड सुबह ऑलमोस्ट 5:15 के आसपास हम लोग इमिग्रेशन पे पहुंच गए थे और इमिग्रेशन खुला यार 6:30 बजे, तो हम लोग यार यहाँ ना लाइन पे लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और उस साइड से ना पुलिस के उस तरफ से भाई
करप्शन देके पैसे देके लोग फास्ट फास्ट निकल गए हैं, ठीक है। तो ये सरेआम ओपनली हो रहा है यहाँ पे। और बांग्लादेश के बॉर्डर की हालत ना यार अफ्रीका से भी गई गुजरी है, अगर मैं आप लोग को सच्ची बताऊँ जैसा एक्सपीरियंस रहा है। एक तो इतना रश, बैड मैनेजमेंट, और ऊपर से करप्शन इतनी गंदी भाई, अफ्रीका से भी तगड़ी, और सरेआम लोग निकल रहे हैं पैसे देके। तो ये सीन है यहाँ पे, बट मैं अभी फिलहाल कैमरा बंद करूँ। बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ पे आसपास ही खड़े होने, तो एक बार स्टैंप लग जाए, फिर इंडिया जाके मैं आप लोगों से बात करती हूँ। भाई इंडिया में आप लोगों का स्वागत है, इंडिया आ गया। आप मेरी वीडियो में आएंगे चलेगा? ठीक है, हेलो, प्लीज़ हमें अपने बारे में बताइए वीडियो में थोड़ा। बांग्लादेश टूर होके आया है, यहाँ पे आदमी कुछ भी नहीं मानता है, ठीक है। पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे भी है थूक लेता है, कहीं पे भी लाइन लगा लो धक्के मार के चले जाओ। बट आप इंडिया में कहाँ से हो? कलकत्ता से। ओके, एंड ये जनाब यार अफ्रीका में भी रह रहे हैं कुछ साल हो गए, नाइजीरिया में? नाइजीरिया। कितने साल हो गए? 5 years। 5 years, तो व्हाट अ कोइंसिडेंस भाई, हमें यहाँ पे इंडियन मिले जो कि अफ्रीका भी गए हुए हैं, एंड मुझे भी अफ्रीका बहुत पसंद है। तो सही भाई, धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना कर देना भाई, और पसंद आई हो तो। एंड बांग्लादेश घूम के आना, अलग से एक्सपीरियंस है। हाँ, प्रॉब्लम आएगा लेकिन मज़ा भी आएगा। हाँ प्रॉब्लम आएगा, पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन अच्छा है, मज़ा आएगा। हाँ मैंने ये बात बोलनी थी वीडियो में कि लोग अच्छे थे यार बांग्लादेश में, जैसे बोलते हैं ना ज़्यादा ही दिक्कत आएगी, उतना कुछ नहीं हुआ, लोग प्यारे थे। तो हमारा बांग्लादेश का टूर ख़त्म हुआ, और अभी यार इंडिया आ गए हैं। चलिए बस में चलते हैं अपनी, एंड फिर आगे मेरे को पूरी की ट्रेन अगर मिल पाए तो वीडियो फिर मैं थोड़ी देर में कंटिन्यू करती हूँ। एंड इस बॉर्डर की ना यार एक स्टोरी भी है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। इस एग्जैक्ट बॉर्डर पे मैं 3 साल पहले भी आई थी जनाब, एंड बॉर्डर के पास एक जनाब है जो मुझे उस टाइम फॉलो करते थे, उन्होंने मुझे 2 दिन होस्ट भी किया था क्योंकि मेरे को उस टाइम वीज़ा नहीं मिला था। तो एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत पुरानी, जब मेरा यूट्यूब में 7,000 सब्सक्राइबर थे तब की बात है। तो बांग्लादेश की ना जो ई वीज़ा वेबसाइट है ना, उस पर लिखा हुआ था कि वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए, वेबसाइट पे लिखा हुआ था ऑफिशियली। तो मैं मुँह उठा के आ गई, एंड जब मैं बॉर्डर आई तो कहते नहीं है वीज़ा। तो ये सीन हुआ था, तो मेरे 7,000 या 8,000 सब्सक्राइबर होते थे। फिर बांग्लादेश में नहीं जा पाई थी तो मैं म्यांमार चली गई थी। तो आज 3-4 साल बाद हम वापस आए हैं इसी बॉर्डर पर, एंड सब बढ़िया।